नहीं देखिए, अरविंद केजरीवाल जी से हमारे सभी कार्यकर्ता मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। तो आज हमारे पूरे दिल्ली के जो हमारे मंडल के कार्यकर्ता हैं वो आकर के अरविंद जी से मिल रहे हैं, अरविंद जी से बात कर रहे हैं और किस तरह से आगे हमारा पूरा कैंपेन चलेगा, क्या क्या जिम्मेदारियाँ और कैसे कैंपेन चल रहे हैं, मुझे लगता है उसके बारे में अरविंद केजरीवाल जी विस्तार से चर्चा अपने सभी साथियों के साथ करेंगे। मीटिंग जो है आजकल मुद्दा एक गरमाया हुआ है, पॉल्यूशन का मुद्दा जो है, बीजेपी अटैकिंग मोड पे है, आम आदमी पार्टी की सरकार पे लगातार आरोप लगा रही है कि 10 साल से क्या पॉल्यूशन का एक निष्कर्ष निकाला गया है। देखा जाए तो आज सुबह मंत्री लोग भी जो है बीजेपी के वो सारे आज यमुना के घाट पे थे, जो टॉक्सिक फॉर्म यमुना पे वोट कर रहा है, बोल रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था यमुना साफ करना। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नौटंकीवाजों की टीम है, या तो भारी बेवकूफ़ हैं या गुमराह कर रहे हैं लोगों को। एक बात बताइए आप कि पॉल्यूशन कोई दिल्ली का आइसोलेशन सब्जेक्ट तो नहीं है ना, कोई हम दीवार लगा देंगे और हरियाणा का हवा नहीं आएगा, उत्तर प्रदेश का हवा नहीं आएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी सीरियस है, केंद्र में उनकी सरकार है, केंद्र सरकार को गार्जियन की भूमिका निभानी चाहिए और उसमें मेजर स्टेक होल्डर अगर नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन का है तो उसमें हरियाणा भी है, उसमें उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है, पंजाब है। मीटिंग बुलाएं और एक रोड मैप तैयार हो। एक तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट की गुंजाइश नहीं है, 24/7 काम करने की ज़रूरत है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बताएं कि प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार मीटिंग बुलाई है। प्रधानमंत्री रहने दो, उनकी चिंता, वो अपनी ब्रांडिंग में लगे रहते हैं। इनके अपने मंत्री कितनी बार मीटिंग बुलाए हैं, ये सभी स्टेट्स के मिनिस्टर्स का, सेक्रेटरीज का, और अगर बुलाया है तो क्या रोड मैप दिया, उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई है, बातें नहीं करेंगे। अब हरियाणा में पराली जल रहा है, उसकी चिंता चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए पराली जल रहा है, कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं है। तो ये राजनीति करने के लिए तुम जानबूझकर पहले सिचुएशन क्रिएट करो और फिर उसके बाद झूठ फरोस की राजनीति करो, ये दिल्ली की जनता देख रही है। चुनाव का समय आ गया है, तो चुनाव के समय में आकर के ये नौटंकी करने लगे हैं तो दिल्ली की जनता को ये नौटंकी पसंद नहीं है। दिल्ली बार बार इनकी औकात बताई है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे MCD का चुनाव हो, फिर इस बार ये जितनी नौटंकी करेंगे जनता इनको उनकी औकात बताएगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.